So it was like extended family. So in a festival. And बाजार का मेरा प्रोडक्शन हाउस में ऋषभ शेट्टी फिल्म एक प्रोडक्शन हाउस भी है. इसमें हर बार NFDC और फिल्म बाजार में भी मेरा फिल्म आए which I have produced. I think you heard some names like Pedro, Natesh Hegde directed that film and उसके बाद जयशंकर करके और एक बंदा डायरेक्ट किया है फिल्म का नाम है शिवमा. सो शिवमा एंड पेड्रो बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी गए. लास्ट टाइम मामी में भी प्रीमियर हो गए थे एंड शिवमा न्यू करंट सेक्शन में जीत गए थे. तो लेकिन जो NFDC और फिल्म बाजार में फिल्म सेलेक्ट होता है सो मेरा ये है कि अदर लैंग्वेजेस जो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है सो उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है. पहले एक मार्केट था कि फेस्टिवल में जो फिल्म आता है तो वो अगर दूसरा जगह हम फेस्टिवल गए तो उधर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थिएट्रिकल रिलीज होता है, सो उधर से रेवेन्यूज जनरेट होता था तो हमको प्रोडक्शन करने में ज़्यादा आसान होता था, ईजी होता था. अभी कोविड के बाद जो OTT प्लेटफॉर्म का जो बूम हो गया तो वो मार्केट कोलैप्स हो गया एंड OTT का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने चालू हुआ. लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम भी है. कुछ कनाडा कमर्शियल फिल्म का कुछ प्लेटफॉर्म में बैकफायर हो गया. सो इसलिए अभी बोल रहे थे कि कनाडा इंडस्ट्री के लिए, कनाडा मार्केट के लिए हम ओपन नहीं है करके बोलते हैं ये OTT प्लेटफॉर्म्स. दैट इज़ अ वेरी बैड साइन दैट फिल्म्स जो होता है एक इंडस्ट्री के लिए हम कुछ फिल्म से बैकफायर हो गया. सो इसीलिए हम पूरे इंडस्ट्री को हम मतलब मार्केट के लिए ओपन नहीं है, इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, हमको ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, सो अभी देख रहे हैं सोच रहे हैं. अभी एक्टिवली कनाडा में दो प्रोडक्शन हो स्पेशली रक्षित शेट्टी का जो परमा स्टूडियोज है एंड मेरा ऋषभ शेट्टी फिल्म का और इंडिविजुअली कुछ लोग फिल्मी प्रोडक्शन कर रहे हैं. लेकिन फेस्टिवल जो सर्क्यूट का फिल्म है वो एक्टिवली हम लोग कर रहे हैं लेकिन फिल्म को नहीं ले रहे. सो वी कैन टेक दैट प्रेशर. लेकिन अगर नया कुछ प्रोडक्शन हो जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आए सो उनको वो प्रेशर हो गया, फ्यूचर में ऐसा फिल्म्स को प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा शायद. बस इसलिए मेरा एक सजेशन एंड रिक्वेस्ट था जो अभी इस बार इफ़ी का जो स्पॉन्सर उसमें जियो भी है, जियो से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा फेस्टिवल्स को ये कर रहे हैं और बाहर का भी कुछ प्लेटफॉर्म्स इंडिया में क्या बिजनेस कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ फेस्टिवल का फिल्म जो होता है इसको हम थिएट्रिकल एक्सपोजर बहुत कम रहता है सिर्फ फेस्टिवल्स एंड प्लेटफॉर्म्स. सो ये रहता है सर, इसलिए आपका एक रिकग्निशन भी होना चाहिए थ्रू गवर्नमेंट एंड फेस्टिवल जो करता है और NFDC और फिल्म बाजार क्या क्या करते हैं. सो उधर से एक रिकमेंडेशन मिला तो ऐसा ऐसा फिल्म्स लेना चाहिए, उन लोगों को हम लेके जाके प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट था. हेलो सर, माय नेम इज विनायक सामंत, मैं यहाँ का लोकल मीडिया से हूँ. अभी आपने बोला कि आपका कांतारा पार्ट वन आ रहा है, विच इज़ अ प्रीक्वल, वी कैन से अ प्रीक्वल. सो मेरा क्वेश्चन है था कि ये जो स्टोरी है जो पहले से रेडी थी या कांतारा हिट होने के बाद? नहीं सर, एक्चुअली नॉट मेन लाइन, लेकिन जो फिल्म में क्या क्या एलिमेंट्स आया एक्सेप्ट बहिवाराज ने ये सब छोड़ के जो कम्बड़ा हो, हीरो का कैरेक्टराइजेशन हो और सीक्वेंसेस क्या क्या दिखाया था वो सब मैं सेकंड व्यू में था. उस समय मैं दो कहानी लिखा, मतलब वो एक क्रेजी ओके हम भी फिल्म करते हैं, हम भी पिक्चर बनाते हैं, फिल्म में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बाद में हमको समझ में आएगा यार तेरा ये मुंह रख के तो क्या किधर जाएगा करके, ठीक है. सो तेरे को किसने चांस देगा, कौन चांस देगा, मैं एक कुंदापुर जैसा एक गाँव में हूँ, इधर से बैंगलोर जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे, तो ऐसा है कि इसमें हम लोग छोड़ देते. लेकिन जो कहानी का जो एलिमेंट्स था मेरा गांव में जो क्या क्या देखा था मैं बचपन से, वही एक दो पार्ट का कहानी था. उस समय मैं सोच रहा था कि उस समय भी कुछ दो पार्ट का कुछ फिल्म आया तो कुछ हॉलीवुड फिल्म्स बोल रहे थे लोग, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, एक कहानी बोलते हैं उसके बाद उसका आगे का कहानी बोलते हैं. मैं बोल रहा था मेरा दोस्त के साथ, अरे यार सब लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उल्टा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते करते, ठीक है ये कहानी बोल देते बाद में ये करते. ये मेरा एक यू में मतलब वेरी मैच्योरिश तौर था, ठीक है. लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद जो ये कहानी मुझे कांतारा के रूप में एक नया रूप मिला उस समय था. लेकिन क्या होता है एक फिल्म करके हम लोग प्रमोशन करने के समय
थोड़ा ज्यादा बिल्डअप ही दे देते फिल्म इंडस्ट्री का जो टीम्स जो बोलते हम पार्ट टू करते हैं पार्ट थ्री करते हैं मतलब फ्रेंचाइज कर देते हैं ऐसा कुछ बिल्डअप कर देते हैं. मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ विल फोकस ऑन कांतारा, उसके बाद हम डिसीजन ले लेते करके. लेकिन आइडिया पहले ही था, डिसीजन लिया कांतारा हिट होने के बाद. लोग इतना प्यार दिया सम्मान दिया तो बहुत सारे लोग पूछने चालू किए. मैं बोला ऐसा एक आइडिया है, कांतारा खत्म होने के बाद हम लोग अच्छा फ्रेम हुआ तो अनाउंस कर रहे थे ऐसा का. सर आपने बोला कि दो कहानी रेडी थी, तो दो कहानी में से कौन सी कहानी पे पहले फिल्म करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हो और कितना हार्ड रहता है? हार्ड नहीं है सर, मतलब गो विद द फ्लो, दैट्स इट. सो ये पहले करना था मुझे, इसके बाद वो पहले ही वही आइडिया था, पहले कांतारा करना है तो उसके बाद प्रीक्वल करते थे. हेलो हाय सर, दिस इज रितेश फ्रॉम इंडिया टुडे. सर दो बातें हैं, जब कांतारा रिलीज हुआ पिछले दो साल में, एक अनुपम खेर की मूवी आई, बाद में आपकी कांतारा आई और ट्रेंडिंग में बहुत फिल्म चली है. और पिछले दो साल में अगर देखा ट्रेंडिंग चल रही है मूवी, इतना सक्सेस हो रहा है, जो भी सीधा बात करते हैं हिंदुइज्म के ऊपर, बहुत नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, मिडल ऑफ इंडिया हो, इतना सक्सेस मिला है. एक साउथ से मूवी आती है और नॉर्थ इंडिया है, पूरे इंडिया में एक बोलते हैं हंगामा मचा देती है, कैसे सक्सेस को देखते हैं? जैसे मानना चाहिए. और जो भारत का जो रूटेड कहानी होता है या फोकलोर होता है वो ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट होता है शायद, सो इसलिए वो ज़्यादा मतलब पर्सनली ले रहे हैं फिल्म को, पर्सनली दे रहा देयर फिल्म जैसे मान रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग फॉर द सक्सेस. सो जो भारत का कहानी है, हमारा रूटेड और कल्चर रिलेटेड का जो कहानी है उस पर ज़्यादा फोकस है शायद. सर दूसरा सवाल है लैंग्वेज के बारे में कहेंगे, जब साउथ इंडियन मूवी एक मूवी बड़ा हंगामा मचा देती है, बट लैंग्वेज कुछ के कुछ बैरियर्स आते हैं इसके? हाँ मतलब लैंग्वेज के बैरियर अभी जा रहे हैं, सो नाउ इट इज अ टाइम टू टेल इट इज इंडियन सिनेमा. सो आई थिंक बहुत तीन चार साल में स्पेशली आफ्टर कोविड OTT का जो एक बहुत बड़ा बूम हो गया, तो वो एक ऑडियंस का इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया. सो लोग अभी किसी का भी लैंग्वेज में फिल्म आया तो वो देखने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है. सो पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, शायद वो एक चेंजेस आया, इसलिए अभी वो भाषा का ये छोड़ के, भाषा का जो बैरियर था वो छोड़ के, सो इट हैज़ बिकम एन इंडियन सिनेमा नाउ. सो ऑडियंस का जो ओपननेस है ना, तो वो एक अच्छे तरीके से फिल्म हुआ शायद. सर मेरा नाम स्वप्निल दारी है. जो आपकी फिल्म है इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे जो कोला होता है उसके बारे में आपने बहुत डिटेलिंग यहाँ पे की है, और जो लोग जिनको ये पता नहीं था उनको इसके बारे में डिटेल्स मिल गई. तो आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा जो कोला करते हैं, क्योंकि बीइंग अ गोवन मेरे बहुत से दोस्त इस फिल्म के बाद कर्नाटका गए हैं कोला देखने के लिए. अच्छा. ऐसा चेंजेस हुआ है, तो आपको रिस्पांस किस तरह से आता है, क्योंकि जो लोग ये जो कोला करते हैं उनसे आपको रिस्पांस किस तरह से आता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, एंड पूरे जर्नी में कांतार का एक साथ का जर्नी है. सो पूरे जर्नी में जो कोला पहनते हैं वो रिचुअल करते हैं, वो कम्युनिटी का लोग मेरे साथी ही थे. सो फिल्म रिलीज होने के बाद भी सो एक अवार्ड भी मिला एक आदमी को, मतलब दैट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. सैमा में एक अवार्ड मिला था स्पेशल मेंशन करके, जो ऑथेंटिसिटी जो हम मेंटेन किए फिल्म में. और उसके बाद एक ये दिस इज वेरी इमोशनल थिंग, एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक ये एलिमेंट है, वी शुड नॉट हर्ट एनीबॉडीज इमोशंस. सो दैट इज अ मेन एलिमेंट, एंड उसके आगे भी आई बिलोंग्स टू दिस थिंग, एंड हम फॉलो करते हैं रिचुअल्स. हम बिलोंग्स टू, मेरा फैमिली पूरा ये रिचुअल्स करते हैं, हम भी मानते हैं. सो मैं पूरा मान के ही फिल्म किया हूँ, ठीक है. आई बिलीव इन दैट, आई वर्शिप द गॉड, सो दैट इज़ द मेन स्ट्रेंथ आई गेस. सो लेकिन फिल्म होने के बाद मैं भी रिक्वेस्ट किया हूँ, बाहर क्या आता है वो एक पॉपुलर कंटेंट होने के बाद, सो लोग स्टेज में ऐसा मौकरी करना और ऐसा कुछ करना वो भी मैं देखा था. वो जो कम्युनिटीज़ है, वो जो बिलीवर्स है उनको ज़्यादा हर्ट होता है, वो भी मैं रिक्वेस्ट किया था. आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग ये करने का जो समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किसको रखना चाहिए, किसी किधर भी कुछ डैमेज नहीं करना चाहिए, तो वो सब पूरा मन में रख के पूरा भक्ति से किया है. तो वो एक कहना पॉपुलर कंटेंट होने के बाद जो लोग करता है वो दैट कम्युनिटी
को ज्यादा हर्ट होता है। हाँ, क्योंकि सर बहुत से लोगों ने इसके बाद ये जो फैंसी ड्रेस वगैरह इसमें होते हैं उसमें ये कोला को मतलब जो जो नेचर वर्शिपिंग का जो शक्ति का है हमारा जो रूटेड रूट में वो इंडियन सेंटिमेंट या कल्चर में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है वो जो मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है उसके बीच का जो शक्ति क्या मान रहे हैं हम लोग उसका एक पॉजिटिव तरीके से हम लोग कहानी में बताएं। सो वो अगर ज्यादा ऐसा हुआ तो लोगों को ज्यादा हर्ट होता है। रीजनल जो फिल्में हैं लैंग्वेज बैरियर तोड़ के बॉलीवुड से भी ज्यादा परफॉर्म कर रही है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट थियोट्रिकल तो अभी भी हिंदी सिनेमा का वही ये है लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। मतलब भाषा का बैरियर छोड़ के लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब दैट इज अ रेवोल्यूशन व्हिच इज हैपनिंग नाउडेज। सो आई थिंक अभी हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो हम करना है कि अच्छा अच्छा कार्य लेके आना चाहिए, ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। हाय, दिस इज सोहेल हियर फ्रॉम एंशिएंट बॉलीवुड। शुड यू वेरी गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, उसके पीछे थोड़ा राज है, क्या है हिंदी? नहीं, हिंदी इज वेरी गुड लेकिन एंड बिसाइड यू नो योर ओन प्रोडक्शन कोई बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे और कोई चांसेस है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म लेके आर यू डूइंग लेकिन उसके लिए कोई आपको ऑफर आए होंगे? अभी सिर्फ कांतारा का फोकस है। बहुत सारे ऑफर्स आए तो मतलब बहुत सारे डिस्कशन भी हुए थे, नॉट ओनली हिंदी, कन्नड़ा छोड़ के बहुत सारे लैंग्वेज का आए थे। मैं उन सब का बहुत बड़ा फ़ैन भी था, मतलब फ़ैन भी हूँ, अभी आगे भी रहूँगा। मतलब मैं बोला देयर इज़ अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आई एम मिसिंग बिकॉज मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो एक सेंटिमेंट है। सो अभी कांतारा इतने बड़ा सक्सेस किया वो इनिशियल क्रेडिट आई हैव टू गिव टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो उन लोगों ने देखे इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद बाहर जो स्टेट्स है वो लोगों को पता लगा ऐसा फिल्म आ रहा है करके। सो इसलिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो इसलिए मुझे एक फिल्म हिट हुआ तो यार ये इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं देख ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। एंड अभी जो भाई साहब पूछ रहे थे कि वो लैंग्वेज बैरियर जो हटा के अभी इंडियन सिनेमा बन गया, सो अभी हमको थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, हम कन्नड़ा फिल्म कर सकते हैं एंड कंटेंट शुड भी ग्लोबली रीच होना चाहिए और यूनिवर्सल सब्जेक्ट होना चाहिए। सो दैट बिकम ईजी। सो इनिशियली हम ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा शूट कर सकते हैं। सो डबिंग में हम लोग ईजिली लिपसिंग कर सकते हैं, सबका इमोशनल सम कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट करके सबको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड हिंदी का बता रहे थे, मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है, सो मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ और तीन महीने में बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय का काम कर रहा था काफी देने का 2008-09 में। सो इधर थोड़ा थोड़ा सीख गया, उसके बाद ये पैन इंडिया बन गया है, खुद बन गया फिल्म, मैंने किया और प्रोडक्शन हाउस ने किया। उस समय मुझे कम से कम हिंदी में तो इंटरव्यू देना चाहिए था। सो मेरा बीवी ने बोला कि तू जा करेगा तू करके, आई एम फुली स्केयर्ड, तो भाषा नहीं आता है करके, तू करेगा करके, वो तो फ्लो में हो गया सर, इंटरव्यू दिया। नो आई हैव टू थैंक टू मीडिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग के साथ बात बात करके करके थोड़ा इम्प्रूव हो रहे। Hi Rishabh, this is Harshada here from Screengraphia. I was lucky one who had interview last year and I really want to appreciate your Hindi. It's been improving a lot. I got two questions for you. One is that last year when your film has released, that time there was an certain section of the media was saying ki isme na superstitious zyada phail raha hai. To ye jo word hai, ye jo terms hai, isko aap second film mein kis tarah se hold karenge ya cure karenge? So main film karta hu, मैं क्या बिलीव करता हूँ उसके ऊपर, सो आई कांट डिफरेंशिएट दोस थिंग्स, क्योंकि मैं एक ये मैं मेरा एक्सपीरियंस में कुछ रियल कहानी में है और फोकलोर भी है, तो लोगों का थॉट इसमें हम मानते हैं और इसके ऊपर फोकलोर का भी ये है। सो इसलिए मैं फिल्म को कम्प्लीटली फोकलोर जैसा नरेशन रख के आया था। सो वो क्या बिलीव करता हूँ वो एक्सप्लोर करता हूँ, दैट्स इट। उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ, उसके पीछे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे
इफी आने के बाद प्रीक्वल चैप्टर वन का जो अभी पोस्टर रिलीज किया है और ग्लिम्सेस रिलीज किया उसके बारे में बात किए करके आई डोंट वांट टू टॉक क्योंकि एक क्या होता है आजकल क्या हो रहा है जो प्रमोशन के रूप में हम इतना बात करते हैं फिल्म के ऊपर सो लोग कम बात करते हैं और हम ज़्यादा बात कर रहे थे सर मैं सोचता हूँ कब हम कुछ कंटेंट रिलीज करते हैं लोग ज़्यादा बात करना चाहिए हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए हमारा बात तो काम पे होना चाहिए सो इसलिए वो लोगों को छोड़ना चाहता हूँ ओके माई सेकेंड क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट फिल्म का बजट कुछ मतलब वन फिंगर करोड़ में था वन डिजिट करोड़ में था कुछ मे बी टू करोड़ और फाइव करोड़ समथिंग एंड इट हैज क्रॉस्ड सम 400 क्रोर्स सो व्हाट वाज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ योर फॉर दैट फिल्म एंड फॉर दिस फिल्म मैं वो तो प्रोडक्शन हाउस से बात कर लूंगा आई एम द डायरेक्टर राइटर एंड एक्टर सो सर मैं कहानी उनको बोलता हूं तो वो लोगों के इतना खर्चा करते हैं हम करके लेकिन दैट वाज अ मिरेकल हैपेंड डेफिनेटली वो बजट उतना ही था मतलब 16 प्लस सिर्फ कनाडा का और दूसरे लैंग्वेज आने के बाद वो ज़्यादा एक्सपेंस होता है मतलब प्रमोशंस में खर्चा करना होगा सो क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ का जो स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया में आजकल मैं एक ही पॉजिटिवनेस देखा था कि ये अगर वर्ड ऑफ माउथ और ज़्यादा लेके जा सकते हैं वो सोशल मीडिया का एक शक्ति है सो वो एक पॉजिटिव थिंग है इतने सारे नेगेटिव्स भी एलिमेंट है लेकिन कांतारा में वो भी एक पॉजिटिव रूप से हेल्प हुआ इतने सारे रिव्यूज लोगों का रिव्यूज नॉट ओनली क्रिटिक्स का बोल रहा हूँ मैं ऑडियंस का भी सो वो हेल्प हुआ है सो अगर वो हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा शायद नमस्कार सर नमस्कार ना कन्नड़ थी नमस्कार नमस्कार सर कन्नड़ चलनचित्रवन्न बरी राष्ट्रीय मट्टदल्ली मात्र अल्ल अंतरराष्ट्रीय मट्टक्के तगोंडु होगिदिरा बहळ हेम्मे आगुत्ते नमगे निम्म हेसरु केळिद तक्षण निम्मन्न नोडिद तक्षण ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಧೂಳಿನ ಕಣಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಾನ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೇರು ನಟರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಂತಲು ಅವರು ಅಬ್ಬಾಯಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸುಬ್ಬಾಯಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರೋಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಹನಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ವ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜನರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ನಾಲ್ಕೈದು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಯಾಕೆನಾ ಚಾರಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಮೇ ಇದೇ ನೀ ಲೇಕೆ ಗಯಾ ಹವ್ ಡನ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೇಕಿನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೇಕೆ ಗಯಾ ತೋ ಇತನೆ ಬಡಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಜ್ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಕೇತೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅಸೆ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೈ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಜಿ ಅವ್ರ ಪಂತಲು ಜಿ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಲೋಗ್ ಹೈ ಸೊ ಮೇ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಂದಾ ಹೂ ಮತಲಬ್ ऑडियंस मेक इट बिग लेकिन किसी ने पूछ रहे थे कि भी अभी इतना बड़ा हिट हो गया इतना बड़ा फेम आ रहा है तो अभी क्या कैसे हैंडल कर रहे हैं लेकिन वो नहीं है मैं कनाडा में तीन चार फिल्म किया हूँ वर्ड्स क्रेस वो हिट हो गया लेकिन बाहर स्टेट के लिए मैं आम वन फिल्म वंडर एक फिल्म किया और क्या करेगा ये मतलब वो एक क्वेश्चन तो वो रहेगा ना सो ये सक्सेस ये सब मैं पहले भी बोल चुका हूँ सिर्फ इधर रखता हूँ दैट्स इट
मुझे ये इधर से इधर आने का नहीं छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि वो इधर आ गया तो दैट विल बी माय लास्ट फिल्म. सो इसलिए मैं वो हम्बली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, तो वो पूरे के पूरा शक्ति लेके जाके दूसरा फिल्म में डालते जो विल मेक यू प्राउड सर, दैट विल बी माय गोल. दैट्स थैंक यू सर. उसमें हैंडल करने का कुछ नहीं है, सो सीधा साधा रहने का, आराम से रहने का बस. आप पूछ रहे थे कि सो कैसे हैंडल करते हैं करके, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇರೋದು ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂತಾರ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಿಸ್ಟ್. So now, prequel, whatever announced, from scratch only, it was projected as pan-India and it's getting in bigger scale. So how much preparations now to get it for academy submissions and other things is in your mind? And my other question is, we also love your, you are encouraging new talents through your productions. But those films are only, as of now, in festival circuit, it's going on. So when those films will get reception in theatrical response? Sir, namaskar. Thank you. Thank you, sir. So, nani kashtala English brother nadu nanu Hindi li iruthe. So that ellaru artha aguthe nanu sir. Thank you. First of all, jo last mein jo academy submission tha wo mujhe kuch samajh mein nahi aayega, wo pura production usko chhod deta hu main. So wo production house Humbale will do that, will take care of that. And दूसरा जो प्रोडक्शंस हम लोग कर रहे हैं पेड्रो शिवम्मा एंड वागा चिपाणी करके, और एक फिल्म अभी फिल्म बाजार में वर्किंग प्रोसेस में है. तो ये इवन आई डोंट नो दैट वाज द इशू आई वाज एड्रेसिंग, मैम के साथ वही बात कर रहा था मैं. अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म दे डोंट वांट टू एंटर कन्नड़ इंडस्ट्री, दे से दैट वी विल टेक टाइम, वी आर नॉट ओपन टू कन्नड़ इंडस्ट्री, इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं देख रहे फिल्म. सो वो लोग भी अभी ज़्यादा कमर्शियल फिल्म के पीछे पड़ी है. सो अभी थिएट्रिकल में हम लोग रिलीज किए हैं, तो वी कांट रिकवर आर मनी. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोग रिकवर नहीं किया, ओके एक फिल्म सिनेमा ने इतने सारे दिए हम लोगों को, सो वी हैव टू गिव समथिंग टू सिनेमा. सो दैट इज़ द थॉट मी रक्षित एंड एवरीबडी हैज़ ऑलवेज, वो इतने सारे दिए हैं तो हम भी कुछ वापस कर देते करके हम लोग ऐसा कुछ जॉनर का फिल्म्स को प्रोड्यूस किए. लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहा है, तो कब ये लोग ओपन होता है, वो डोर ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, अगर थिएट्रिकल में रिलीज किया, दिस तीन फिल्म लास्ट इन माय प्रोडक्शन हाउस मे बी, ये तीन फेस्टिवल सर्किट के जो फिल्म तीन किया हमने, दिस विल बी लास्ट. सो इसके आगे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वही पैसा हम लोग दूसरा कमर्शियल फिल्म करने का, एक दो वो एक डायरेक्टर नया बंदा मिलेगा उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं. तो ही इज़ ऑल्सो बिकम, ही विल बिकम ऑल्सो एक डायरेक्टर बनेगा वो. सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हम स्पेशली कन्नड़ इंडस्ट्री, बिकॉज जो पेड्रो किए थे हम लोग तीन साल, तो दो साल पहले, उस समय फिल्म बाजार में पैरेलली साथ में एक फिल्म था, वो दूसरा लैंग्वेज का है, इसलिए वो अभी कुछ प्लेटफॉर्म में है. सर हम लोग वो यार वो सेम बाजार में थे दो फिल्म, सो इक्वली हमको क्रिटिक्स का जो रिव्यू था ऑल ओवर द वर्ल्ड, बुसान में गए, बहुत सारे फेस्टिवल में गए, अगर ये फिल्म क्यों नहीं, वो एक क्वेश्चन था फेस्टिवल सर्किट, मतलब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैं पूछा था. नहीं सर हम समझते हैं, लेकिन हम अभी ओपन नहीं है करके, तो अभी दुकान ओपन होने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते क्या होता है. सर आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं, और फिर आप कमाल की एक्टिंग भी करते हैं. आई हैव टू आस्क यू व्हिच इज योर फर्स्ट लव, कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे, व्हिच इज योर कंफर्टेबल स्पेस? डेफिनेटली डायरेक्शन. आई लव टू डायरेक्ट एंड कहानी. मैं थोड़ा ये पुराना राइटर्स जो रहते थे ना, मतलब जो साहित्य जो लिखते थे, ऐसा कुछ ये मैं ज़्यादा लिखता नहीं. आई डिक्टे, मतलब मेरा को राइटर्स रहेंगे, उनको मैं कहानी बोल के रहता हूँ, जो वो लोग लिखते हैं वापस सुना देता हूँ, वापस करेक्शन बोल देता हूँ. थोड़ा पुराना जैसा सुपर्णा जानते हो, ऐसा एक आइडिया में हम काम करते हैं. साथ में हर बार मेरा को राइटर्स रहते हैं, हम आइडियाज इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो फाइन ट्यून करते जाते हैं.
सो ज़्यादा सुनाते हैं और फिर वापस करेक्शन कर देते हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिस में हम करते हैं, लेकिन डायरेक्शन ज़्यादा पसंद है। सर मेरा एक सवाल है कि हम ज़्यादा सी बार देखते हैं कि जब एक आदमी फिल्म बनाता है तो उसका उसके लाइफ पर थोड़ा इम्पैक्ट रहता है, तो आपने जब फिल्म बनाई आपको आप उससे क्या सीख मिली, क्या इम्पैक्ट था आपका कांतारे से? ताकि हम फिल्म इंडस्ट्री हो, जर्नलिज्म हो, किसी का भी काम करो, हमारा एक एक ये रहता है कि हम सक्सेसफुल होना चाहिए। ये काम बहुत ये सक्सेस के लिए हम काम करते हैं, लेकिन कांतारा होने के बाद मुझे लगा कि अरे यार मैं सक्सेस के लिए काम नहीं किया हूँ, काम के लिए काम किया हूँ बस। मुझे काम करना था तो काम किया मैं। सो हर फिल्म में सेम एफर्ट डालता हूँ, लेकिन कांतारा बड़े हो जाते हैं। हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हर काम हर फिल्म सेम ही है हमको। सो वो डिफरेंसेस नहीं है, सो सेम एफर्ट डालते हैं। सो इसलिए मुझे सॉरी वो लास्ट पॉइंट क्या था, सीखने को आपको क्या मिला? हाँ तो वही पॉइंट था मुझे, और मैं मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हूँ, जो उधर से लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ। ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ मैं, वो एक वेरी एवरेज स्टूडेंट था, वो पांचवी फेल था मेरा तो ठीक है। तो अभी भी स्क्रिप्ट पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, तो इसलिए मैं लाइफ सोसाइटी में ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और लोगों पर ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। सो उनका जो लाइफ में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ज़्यादा वो लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ। तो दैट इज माई एफर्ट। नमस्ते सर, भारती फ्रॉम द गोन। मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज अ रिक्वेस्ट, कि आपका जो लास्ट सीन है उसमें वो सीन वो एक्टिंग नहीं है, दिस वाज रियल, सो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो मैम वो शुरू से बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछे थे और लोग भी पूछ रहे थे कि वो एक्सपीरियंस के बारे में बोलो करके। मैं रियली आस्क यू सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए मुझे, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो इस पे आप कोई हिंदी सब्जेक्ट भी चुन रहे हैं कि कोई आगे फीचर फिल्म बड़ी बनाओ हिंदी वर्जन में? ऐसा थॉट नहीं है मैम, मतलब अभी कनाडा किया तो वो लोग लेके जाके हिंदी कर दिया, क्या कर सो अभी मुझे सिर्फ कनाडा आता था, बाद में थोड़ा तमिल सीखा और बाद में ऐसा वैसे आप जैसे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करते करते आप लोग के साथ बात करते करते वो खुद इम्प्रूव हो गया, वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है। हेलो सर, इंटरनेशनल फिल्म में 3 इंडियन फिल्म्स हैं, उसमें कांतारा है, आप इसका क्या बोलते हैं, गए साल भी आए थे इधर प्रमोशन के लिए, आप आज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आज आपको लगता है कि आपको प्राइज मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज श्योर दैट ये आप बोल रहे 3 फिल्म है इंडिया का, अच्छा मैं टोटल 15 फिल्म है उसमें 3 इंडियन है, उसमें एक आपका है जो कन्नड़ इंडस्ट्री से था मुझे जो एक मतलब ये इंटरनेशनल फेस्टिवल में 14 फिल्म है 15 ये 15 फिल्म में मेरा फिल्म सेलेक्ट हो जाएगा वो बहुत बड़ा बात है मुझे, सो दैट इज अ ह्यूज थिंग। मैं कभी सोचा भी नहीं था, इवन मैं लास्ट फिल्म सरकारी विच वी गॉट नेशनल अवार्ड वो भी मैं सोचा नहीं था कि मुझे हर बार ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, वो लोग खुश होना चाहिए, दे शुड एंजॉय द फिल्म, दे शुड बी एंगेजिंग फिल्म, वो एक प्राइमरी पॉइंट रहेगा हर बार मेरा, इस बार भी वही था। सो इसका यार कैसे सोचूँ मैं, मतलब जब बड़े बड़े फिल्म आते हैं तो कैसे सोचूँ। सो वो सेक्शन में है ना, तो लास्ट टाइम हम लोग लास्ट ईयर इफी में प्रमोशन के लिए आया, आई वाज अ गेस्ट, सो हाँ सो कांतारा रिलीज होके 1.5 महीने हो गया था, तो इस बार हम लोग सीधा कंपटीशन में है, सो इफी का कुछ कनेक्शन है देखते। आपके पीछे बड़ी हो गई सर, वन लाइन क्वेश्चन, कांतारा का सक्सेस इमोशन श्रद्धा और क्या? आई थिंक श्रद्धा, आप यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप क्या काम करते उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और एक डर भी होना चाहिए, हम कन्नड़ में भया बोलते हैं, तो भया भक्ति दोनों होना चाहिए, तो यू शुड प्रे फॉर दैट एंड शुड बी फियर ऑल्सो, शुड हैव दैट फियर
So then only you will focus on your work carefully. सर नेक्स्ट कर रहा हूं कि अभी को ज्वाइन टू या सर पैन इंडिया कोई नहीं सर कोई नहीं सर सिर्फ मुझे कास्ट करके बैठा हूं मैं अभी इधर से चला गया सर गोवा में कुछ फिल्म बनाने का कुछ प्लान तो सर दो फिल्म शूट किया हूं मैं इधर एक डायरेक्शन का शूट किया हूं इसमें किरिक पार्टी का जो कागदा ददोड़ी वाली सॉन्ग है ना जो रक्षित बुलेट लेके जाता है वो पूरा वो में शूट किया हम लोग सो उस समय थोड़ा तो परमिशन लिया है थोड़ा बिना परमिशन के शूट किया बजट कम था उस समय उसके बाद और एक मैं एक्ट किया था हरिकते ले हरिकते करके उसमें भी एक गाने का शूट किए थे हम लोग वही बोल रहा था मैं चार बार आया दो बार इसी के लिए आया दो बार वो शूटिंग के लिए बस ನಿಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂತಾರ ಆದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂತಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಮಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸೈಮಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀಂಗ ಕಾಮಿಡಿ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ನಾ ಪಣ್ಣೆ ಸರ್ ನೀಂಗ ಪಣ್ಣನು ಏನಾ ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ದೇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಮಲ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೊ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ದು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಕತೆಗೆ ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈವನ್ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಈವನ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ Thank you, sir. So we end this interaction. Thank you all friends from media and also to Rishabh and all the best for your conversation. Thank you, Sagya ma'am. Thank you so much for moderating this. Thank you. Thank you. Mast leave.